प्रसाद पांडे जी, प्रगतिशील कृषक हैं। ये CO0118 जो अर्ली प्रजाति है उसकी बसंत काल की बुआई हो रही है। CO0118 की पहचान बताइए। एक तो कलर वायलेट रहता है पूरा नीचे से ऊपर तक, और इसका अगर अगौड़ा लगा हुआ है तो उसमें ऊपर हल्के छोटे छोटे कांटे होते हैं। अच्छा। ऐसे कांटे जो गड़ते नहीं है। अच्छा। केवल दिखने में, यानी अगोले में, जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं हल्के से जो अगोला इसमें थोड़ा लगा है, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो कांटे होंगे। इसमें है अभी, देखिए पत्ती बहुत आराम से छूटती है, पत्ती सतह जो है गिर जाती है अगर आप खिला देंगे इसको। और इसका गन्ने का रंग थोड़ा हरा भी होता है, देखिए। और ये 238 से मोटा गन्ना है, आप देख रहे होंगे। बहुत सारे गन्ने आपने देखे होंगे जिसमें पोरी के ऊपर पोरी होती है, इसमें पोरी हल्का सा खिसकती है। जैसे देखिए ये पोरी यहाँ है तो अगली वाली थोड़ा ये खिसक गई, बिल्कुल ऐसा नहीं एक के ऊपर पोरी रखी हुई, सीधी नहीं, सीधी नहीं है। जैसे ये गया, देखिए ये है तो ये इधर को दबी है और फिर ये इधर गई है। ये जैसे ये पोरी आई है तो ये इधर को गई है ना, इधर को गई और फिर इधर से ये इधर को गई, फिर ये इधर को गई है और फिर ये इधर गई। यानी एक पोरी ऐसे है तो दूसरी पोरी ऐसे हो जा रही है। सर इंग्लिश में एक वर्ड है, इसको जिगजैग बोलते हैं। हाँ, स्केल रखेंगे तो देखिए इसका थोड़ा गैप आ जाएगा यहाँ से। अगर ये बिल्कुल सीधे कर्व बनाती हुई जाती है तो ये CO0118 की पहचान है। और ये गन्ना अमूमन ठोस होता है, इसमें कोई पिथ नहीं होती है, इसका मतलब कपास। और ये सिंगल बट से बुआई कर रहे हैं और ट्रेंच बिट से। एक नाली में गन्ने की दो लाइनें हैं, पेड़ रो से बोया जा रहा है। तो 1 मीटर अगर हम देखेंगे, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 6 इधर को है टुकड़े और 6 इधर है, 6 इसके पैरेलल। तो 1 मीटर में लगभग 12 आंखें पड़ रही हैं। देखो और आंख जो है ऊपर को रखिए। आंख ऊपर होने का सबसे अच्छा फायदा ट्रिलिंग में मिलता है। हाँ, इसका विकास बहुत अच्छा होता है, गन्ने के कई कल्ले निकलते हैं। अपना अनुभव शेयर करिए कुछ सर। ये 0118 गन्ना जो है, ये हम CO0118 गन्ना पहली बार बुआई कर रहे हैं और ट्रंच पैरेलल मेथड से कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सिंगल बट से बुआई की जा रही है और इसमें जो गन्ने की आंख है वो सभी टुकड़ों में ऊपर साइड ही रखी गई है, जिससे गन्ने की थ्रिलिंग जो हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो, गन्ना बहुत अच्छे से विकास करे। इसके टुकड़े से इस टुकड़े की दूरी जो है कम से कम 1 फीट जरूर हो। देख रहे होंगे यहाँ से, अगर हम देखेंगे यहाँ से पूरा 1 फीट से ज्यादा, 1 फीट से ज्यादा ही है। इसको अगर हम देखेंगे 1 फीट से ये ज्यादा ही है, तो ये स्टैंडर्ड जो होना चाहिए सीड का, जो गहराई का और सीड रखने का, तो सारा इसमें देखिए अनुपालन इसका सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए ट्रेंच की बुआई में सबसे अधिक अगर सावधानी रखने की जरूरत होती है तो मिट्टी गिराना, आप 1.5 से 2 इंच की मिट्टी गिराएंगे, कभी भी इसकी बुआई में पाटा नहीं लगाएंगे। अगर आपने पाटा लगा दिया तो जर्मिनेशन 25% या 20% भी नहीं होगा। मिट्टी का जरूर ध्यान रखिए, 1.5 से 2 इंच बार बार मैं कह रहा हूँ, मिट्टी इसमें कम गिराई जाती है इसीलिए इसका जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। इस टुकड़े के ऊपर में आपको ये कुछ नहीं करना, ये जो मिट्टी ये वाली है आप इसी को बराबर करते जाए पर्याप्त। इसको ये है, ये अगर आप बराबर कर देंगे इस तरीके से, अगर हल्की सी लग रही है तो आपको इसको हल्का सा कर दीजिए। मिट्टी इसकी गिराना बहुत ही टेक्निकल काम है, ये इस तरीके से। हाँ बस बस यही है, ये मारते जाएंगे लगाते जाएंगे, ठीक है। अगर उसका बीच लिया जाए तो करीब 4 फुट दूरी। हाँ, यानी इसके सेंटर से और ये सेंटर से दूरी 4 फीट की दूरी पे गन्ना बोया जा रहा है पेयर्ड रो सिस्टम से।